नमस्ते फ्रेंड, आज सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों को आज ये बटर नान की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो घर पे बना सकते हैं आप लोग। घर पे बिना किसी ओवन के मदद से तवे पर ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाला है। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम्स मैदा, उसमें 1 कप फ्रेश कर्ड मैंने ऐड किया है जो रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, और उसमें 1/2 टीस्पून सोडियम बाइकार्बोनेट और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने इसमें मिलाया है। फिर उसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब कलौंजी ऐड किया है। कलौंजी से अच्छा फ्लेवर आता है उस नान में, और उस स्वाद के अनुसार नमक इसमें ऐड कीजिए। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का गुनगुना पानी मिलाते हुए एक सॉफ्ट सा डो बना लीजिए। पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए, ठंडा पानी इसमें इस्तेमाल ना करें। ये डो बनने के बाद इसके ऊपर से 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल देके हम इसको फिर 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है, फिर हम यहाँ डो में से छोटी छोटी लुइयाँ निकाल लेंगे और सूखी आटा देते हुए इसके ऊपर से थोड़ा चॉप्ड कोरिएंडर हम लगा लेंगे। फिर इसको रोटी की तरह हम बेल देंगे। आप चाहें तो इसका शेप ओवल या फिर गोल इसे आप रख सकते हैं। नान को फिर बेलने के बाद हम उसके एक तरफ थोड़ा थोड़ा करके पानी इस तरह से लगा देंगे। पानी यहाँ पे गोंद की तरह काम करेगा और आपके तवे पर वो फिर चिपक जाएगा। यहाँ पे आपको नॉनस्टिक का तवा नहीं लेना है, इस तरह से लोहे का या फिर सिल्वर का तवा लेना है। तवा थोड़ा गर्म होने के बाद आप इस नान को इसके ऊपर डालिए और एक तरफ से थोड़ा सिंक जाने के बाद आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े ऊपर बबल्स निकल रहे हैं। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि एक तरफ थोड़ा सिंक चुका है। फिर ये सिकने के बाद आप तवे को इस तरह से फिर इसको उल्टा कर दीजिए और गैस के ऊपर, गैस तेज आंच पर दीजिए। फिर गैस के ऊपर इस तरह से घुमाते हुए आपको पूरे नान को सेक लेना है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ नान अच्छे से सिक चुका है। इसके ऊपर से हम मेल्टेड बटर को यहाँ पे लगाएंगे। और इसको हम पनीर के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।